हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैथ्स. यहाँ पर इनकरेक्ट मैथ्स सेलेक्ट करना है. ट्रांसजेनिक माइस पोलियो वैक्सीन, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है. वैक्सीन सेफ्टी की जब हम बात करते हैं ना, वैक्सीन सेफ्टी, तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर द यूज इन द टेस्टिंग ऑफ सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमन. ह्यूमन पे यूज किया जाने से पहले वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है किस पर? ट्रांसजेनिक माइस पर. ठीक है. ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन. इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ वैक्सीन. तो यहां पर पोलियो वैक्सीन जो है उसको टेस्ट किया गया किस पर? ट्रांसजेनिक माइस पर. रोजी काउ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है जिसके अंदर अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन जीन डाला गया और इसके अंदर जो मिल्क आता था इस काउ से वो रिच होता था अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन में. ये भी करेक्ट मैच है. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए प्रॉब जीन थेरेपी में यूज होते हैं, तो ये इनकरेक्ट है. जीन थेरेपी में क्या आप देखते हैं, जीन थेरेपी में क्या किया जाता है? यहाँ पर जो भी जीन है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर दिए जाए चेंजेस, एम्ब्रियोनिक स्टेज में चेंजेस कर दिए जाएं, और उस वक्त एडीए सिंथेसाइज करने वाला एडीए सीडीएनए बोल दिया जाता है जिसको, एडीए सीडीएनए इंट्रोड्यूस करा दिया जाए बोन मैरो सेल्स में, तो वहां पर वो परमानेंट क्या होता है. अदरवाइज इसको क्या किया जाता है, लिम्फोसाइट्स पेशेंट के लिए जाते हैं, लिम्फोसाइट को कल्चर किया जाता है, उनके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है एडीए सीडीएनए रेट्रोवायरस का यूज करके. ठीक है, रेट्रोवायरस यूज करके उनके अंदर डाल दिया जाता है. फिर क्योंकि लिम्फोसाइट्स का एक लाइफ स्पैन है, उसके बाद उनकी डेथ हो जानी है, तो क्या किया जाएगा, वापस से इस थेरेपी को रिपीट किया जाएगा, तो जीन लेवल पर करेक्शन किया जाएगा. ठीक है, तो आरएनए और डीएनए प्रॉब यूज नहीं किए जाते यहाँ पर, ये इनकरेक्ट है. फिर दिया है पीसीआर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ये करेक्ट है. पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है जिसके हेल्प से क्या किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. ठीक है, एक वो होता है ना कि कोई भी डिजीज है उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया जा सकता है पीसीआर के हेल्प से. पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है. कोई बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया और वायरस के आप जीन को क्या कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि सिम्टम्स काफ़ी देर में आते हैं, अर्ली सिम्टम नहीं आते डिजीज के. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है इनकरेक्ट मैच वो है आपको ऑप्शन सी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 183 184 पर गिवन है. थैंक यू.